डैम्स के बारे में स्मॉल पोर्शन हमने पहले भी क्या किया था, जो हमारे कैनाल हेडवर्क्स थे उसमें डिस्कस किया था। कैनाल हेडवर्क्स को क्या है, मोस्टली टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ था, एक स्टोरेज हेडवर्क्स एंड डाइवर्जन हेडवर्क्स। स्टोरेज हेडवर्क्स में हम क्या करते थे, क्या करते, वाटर को स्टोर करने के लिए क्या करते, हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते थे अक्रॉस द रिवर। एंड डाइवर्जन नेटवर्क्स में हम क्या, वियर एंड बैराजेस कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, क्या करते, ओनली क्या, वाटर को रेस करने के लिए, वाटर सरफेस एलिवेशन है जो हमारा वाटर एलिवेशन है उसको क्या कर, रेस कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ वियर एंड बैराजेस। तो यहाँ पर वियर एंड बैराजेस एंड डैम्स में ये डिफरेंस यही है कि वियर एंड बैराजेस आर ओनली यूज टू रेज द वाटर लेवल एट द अपस्ट्रीम साइड, बट इन केस ऑफ डैम्स ये क्या है, वाटर को स्टोर करते हैं। इट इज़ अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू इन ऑर्डर टू स्टोर द वाटर, इन ऑर्डर टू स्टोर द वाटर। एंड वाटर को हम कब यूज़ कर रहे हैं, जब भी हमारे, जब नीडेड होता है, जब भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेज है, कौन से हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें, मोस्टली जो हमारे डैम स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है इरीगेशन पर्पसेज के लिए, हमारे पास जो हमारे पास एंड जो नेक्स्ट पर्पसेज वो है हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए मोस्टली डैम्स का यूज़ किया जाता है। बट इन प्रेजेंट डेज अब हम क्या कर रहे हैं, डैम्स का यूज़ है डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में भी हम इसका यूज़ करने लगे हैं बिकॉज ऑफ वाटर स्केयर्सिटी में, बिकॉज ऑफ वाटर स्केयर्सिटी। तो यहाँ पर डैम्स के बारे में हम क्या, स्ट्रक्चर के बारे में हम इसके स्टडी करेंगे। अब डैम्स के बारे में कि किस तरीके से डैम को डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से उसकी जो स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में मोस्टली हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो डैम्स है क्या, सिंपली एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स डैम इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डैम इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर in order to store the water or divert water from river. Okay, simply यहाँ से क्या, canals को भी water provide किया जाता है और water को भी store किया जाता है simply. Dams Dam is an impervious or fairly impervious impervious structure put across put across the natural stream is river की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, put across the natural stream to form a reservoir हम यहाँ जो आपने अगर डैम्स कभी देखे होंगे, विजुलाइज किया होगा, तो वहाँ पर अपस्ट्रीम डायरेक्शन में अगेन सेम तरीके से जैसे वियर की बात कर रहे थे कि एक अपस्ट्रीम होती है और एक डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन होती है। तो जो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जहाँ पर वाटर स्टोर होता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि जो मोस्टली हम पार्ट जो देखते हैं कि जहाँ पर वाटर का स्टोर किया जाता है, उस पोर्शन को बोला जाता है रिजर्वायर। ओके, तो सिंपल रिजर्वायर होता क्या है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, ये डैम का ही पार्ट है। डैम्स में क्या, रिवर के अक्रॉस हमने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जो अपस्ट्रीम का जो पोर्शन है जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है उसको कहा जाता है रिजर्वायर। ओके, सिंपली तो यहाँ पर ये हो गया कि किस तरीके से हम जो है डैम्स को स्ट्रक्चर करते हैं। ओके, तो रिजर्वायर के बारे में हमने जान लिया। चलिए अब इसको रिजर्वायर में जो भी वाटर स्टोर किया जाता है उसको एज ए डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये क्यों हो गया, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसका जो डैम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। जो डैम्स के जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है, हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि डैम्स के बारे में, हमारे पास आपने देखा होगा, नाम सुने होंगे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट डैम्स होते हैं, ग्रेविटी डैम्स हो गए, आर्च डैम्स हो गए, स्टील डैम्स हो गए। तो इनके बारे में देखते हैं कि किस किस बेसिस पे हमारे पास ये डिवाइडेशन किया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द डैम,
में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ डैम की अगर बात करें हम, तो इसको चलिए हम क्या करते हैं उसमें टेबल टेबलर फॉर्म में हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हमारे पास हो गया टाइप, देन कॉमन एग्जांपल्स। जो फर्स्ट टाइप है वो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज की हमारी जो यूजेस है पर्पजेस उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास इसमें है स्टोरेज, स्टोरेज डैम के बाद आ गया डिवाइड डाइवर्जन, डाइवर्जन। थर्ड हमारे पास है डाइवर्जन डैम के पास है डिटेंशन, स्टोरेज डैम तो क्या हो गया सिंपली वाटर को स्टोर करने के लिए जो डैम्स क्रिएट किए जाते हैं, डाइवर्जन जो वाटर को हमारे पास क्या है डाइवर्स करने के लिए, जैसे वियर एंड बैराजेस इसका एग्जांपल हो गया सिंपली, और डिटेंशन डैम जो हमारे पास वाटर को ओनली डिटेन करने के लिए रखे जाते हैं वो है। स्टोरेज डैम में हमारे पास एग्जाम्पल अगर लिखे तो वो आ गया ग्रेविटी डैम, अर्थन डैम, स्टील डैम, एटसेट्रा। डाइवर्जन डैम में हमारे पास कौन से हो गए, जो वियर एंड बैराजेस हो गए, वियर बैराजेस। डिटेंशन डैम में हमारे पास जो डाइक्स एंड डेब्रिस, ये वाटर को डिटेन करते हैं। ओके सिंपली हमारे पास तो ये था क्लासिफिकेशन टू, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन टू यूज कि किस तरीके से जो हमारे पास यूजेस के हिसाब से इसको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक डिजाइन, हाइड्रोलिक डिजाइन के बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। यहां पे क्लासिफिकेशन इसको थोड़ा अकॉर्डिंग टू यूज। नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन द डिजाइन के बेसिस पे, हाइड्रोलिक डिजाइन के बेसिस पे किस तरीके से इसको किया हुआ है। क्लासिफिकेशन बाय हाइड्रोलिक डिजाइन, क्लासिफिकेशन बाय हाइड्रोलिक डिजाइन। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर हाइड्रोलिक डिजाइन के बेसिस पे इनको दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, देन आर ओवरफ्लो डैम एंड नॉन ओवरफ्लो डैम्स। फर्स्ट ओवरफ्लो डैम्स, एंड नॉन ओवरफ्लो डैम्स। ओवरफ्लो डैम में जो एग्जांपल्स आप लेके थे वो है स्पिलवे का एग्जांपल,
पिल्वे। नेक्स्ट और नॉन ओवरफ्लो में डायरेक्ट अगेन वही है ग्रेविटी डैम, ये हमारे पास अर्थन डैम, एग्जांपल और लिख लीजिए रॉकफिल डैम, सिंपल से हमारे पास। ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन मटेरियल। जो थर्ड क्लासिफिकेशन वो है बेस्ड ऑन मटेरियल। बेस्ड ऑन मटेरियल क्लासिफिकेशन बाय मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन बाय मटेरियल्स किसके बेसिस पे, हमारे मटेरियल के बेसिस पे किस तरीके से डिजाइन किया गया। तो ये डिजाइन किया गया रिजिड डैम्स, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, एंड नॉन रिजिड डैम्स। नॉन रिजिड डैम्स, तो रिजिड डैम्स में तो हमारे पास हो गए हैं ग्रेविटी, एग्जांपल ग्रेविटी डैम्स, अर्थन डैम्स, रॉकफिल डैम्स, ग्रेविटी डैम्स, हमारे पास रिजिड डैम्स के केसेस में हमारे पास अर्थन डैम या तो स्टील डैम, स्टील डैम्स आते हैं, स्टील्स के जो बने हुए डैम्स, स्टील मटेरियल के जो बने हुए डैम्स, इनको स्टील डैम्स के काउंट होते हैं, बटरस डैम्स। ओके नॉन रिजिड के केसेस में आता है अर्थफिल डैम, एंड रॉकफिल डैम्स। यहाँ पर अर्थफिल डैम का मतलब है जो सॉइल जो हमारे पास है, यहाँ पर हमारी जो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो हमारी सॉइल वहाँ पर अवेलेबल है उसी से अगर डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो उनको अर्थफिल डैम्स कहा जाता है। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देर क्या है हमारे पास, सिंपली उनके पर्पसेस के कि किस किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे इनका डिज़ाइन किया जाता है। ओके तो चलिए डैम्स के बारे में, अब इसके नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डैम के सिलेक्शन करने में क्या होते हैं हमारे, इनको क्या रखा जाता है गवर्निंग फैक्टर्स। ओके ये तो हमारे पास हो गया कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ डैम्स के बारे में। अब हमारे पास कि किस तरीके से हम जो हमारे पास अगर साइट्स हमें मिल गई तो किस तरीके से हमारे पास को किस कौन सा डैम हमें वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, विच टाइप ऑफ डैम्स वी हैव टू कंस्ट्रक्ट देयर, क्या तो हमें ये भी हमें क्या करना पड़ेगा सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के हिसाब से डिफरेंट पर्पसेस के हिसाब से हमें क्या डिज़ाइन करना पड़ता है। हम ऐसे ही नहीं कि चलो हम किसी कोई अर्थ डैम बना दें या ग्रेविटी डैम बना दें, ऐसे सिलेक्शन नहीं किया जाता, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर क्या अगर डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है कि जो हमारे पास साइट्स हैं कि साइट का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पर हम एक्चुअली क्या डैम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर उसको डैम जो साइट है वो किस तरीके से, उसकी टोपोग्राफी किस तरीके से है, वहाँ पर क्या डैम बनाने के लिए हमारे पास क्या सूटेबल क्या रिक्वायरमेंट जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, वो भी रखा जाता है। तो सिंपली हमारा जो नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जो हमारे पास किस तरीके से सिलेक्शन ऑफ डैम के लिए साइट का जो सिलेक्शन किया जाता है वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। ओके तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है डाल लीजिए सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर डैम। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलेक्शन फॉर
डैम साइट, हमारे पास जो साइट है उसका जो सिलेक्शन कर रहे हैं उसका लिए सिलेक्शन, इसको ऐसे लिख लीजिए, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर डैम। चलिए तो इसमें दो फैक्टर्स हमारे पास हैं, कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सा डैम, विच टाइप ऑफ डैम्स वी हैव टू सेलेक्ट, तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट्स दिस कंडीशन, एंड नेक्स्ट वन इज कौन सा हमारे पास जो सिलेक्शन ऑफ साइट की, सिलेक्शन ऑफ साइट्स के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ साइट, तो वो हमारे पास नेक्स्ट होंगे। फर्स्ट हमारे पास है इसी में ही टॉपिक, सब टॉपिक कह सकते हो, क्या है सिलेक्शन फैक्टर्स, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको फर्स्ट लिख दीजिए, फैक्टर्स गवर्निंग द सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ डैम। टाइप ऑफ डैम कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे टाइप ऑफ डैम को सिलेक्शन करने के लिए गवर्न करते हैं, ओके, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स है जो हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर होगा वो है टोपोग्राफी, सिंपली कि टोपोग्राफी मतलब जो वहाँ के जो नेचुरल फीचर्स है, जो हमारे जहाँ पर भी हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ के नेचुरल फीचर्स है क्या, क्या वहाँ पर हमारे पास कौन सी सॉइल्स अवेलेबल है, क्या वहाँ पर पास जो डिफरेंट जो क्या हमारे पास नंबर ऑफ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है, इस तरीके से जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो डिपेंड करते हैं। टोपोग्राफी फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड फैक्टर हमारे पास हो जाएगा कि वहाँ पर किस तरीके से वहाँ की जो जियोलॉजी है और फाउंडेशन कंडीशन है, वो भी हमारे पास जियोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ कंडीशन, वहाँ पर किस तरह की जो सॉइल्स अवेलेबल है, क्या वहाँ पर हमारे पास रॉकी स्ट्रक्चर अवेलेबल है या फिर हमारे पास वहाँ पर लूज सॉइल है, किस तरीके से हमारा फाउंडेशन रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर भी डैम जो डिज़ाइन है उसके डिपेंड करता है। अगर हमारे पास वहाँ पर रॉकी स्ट्रेटा अवेलेबल है, हमारे पास वहाँ पर क्या है ऑलरेडी हमारे पास जो इम्परमेबल हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो हमारे पास हैं जो लोअर टाइप्स की, जो लोअर इकोनॉमिक्स टाइप के जो डैम्स, मोस्टली अर्थन डैम्स या फिर जो हमारे पास रॉक फिल डैम्स, वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट हमारे पास सब उस लूज टाइप वहाँ पर सोइल अवेलेबल है, सिंपली कि वहाँ पर हम इजीली तरीके से क्या है अगर डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहाँ पर उसके फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम आर्चेस डैम हो गए, स्टील डैम हो गए, मतलब रिजिड टाइप ऑफ डैम्स वहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। जियोलॉजी एंड फाउंडेशन कंडीशन हो गया, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया, मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि जब वहाँ पर हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल है या नहीं है इजीली तरीके से, लेंथ ऑफ डैम हो गया, लेंथ एंड हाइट ऑफ डैम, यहाँ पर हमारे पास हो गया, और हमारे पास क्या हो गया सिंपली स्पिलवे डिज़ाइन, स्पिलवे साइज एंड लोकेशन, स्पिलवे साइज एंड लोकेशन। चलिए एक बार डैम्स का एक क्रॉस सेक्शन बना के देखते हैं कि किस तरीके से है एक्चुअली है क्या। मोस्टली जो डैम्स हमारे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मोस्टली वो क्या है जो हम स्टडी करेंगे वो ग्रेविटी डैम्स के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, हमारे कोर्स में जो हमारे पास ग्रेविटी डैम्स उसके बारे में गिवन किया हुआ था। ग्रेविटी डैम्स मोस्टली क्या होते हैं, जो हमारे क्रॉस सेक्शन है उनका जनरली ट्राइंगुलर शेप में होता है, फेयरली ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर शेप में होते हैं। तो यहाँ पर जो हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये हमारे स्ट्रक्चर है,
ये तो क्रॉस सेक्शन है, अगर इसको 3D में प्लांट करें, जिस 3D में दिखेगा तो किस तरीके से दिखेगा ये। जैसे इसके पहले तो इस तरीके से डैम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो ये हमारे पास डैम्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ये वाला पार्ट कहलाता है हील, इसको बोला जाता है, जो हमारा अपस्ट्रीम पॉइंट है, अपस्ट्रीम बॉटम पॉइंट है, वो हमारा हील हो गया। इसको बोला जाता है टो, इसको बोला जाता है टो। ये हमारा अपस्ट्रीम पोर्शन है, अपस्ट्रीम पोर्शन पर हमारा गया वाटर लेवल, जो हम वाटर को स्टोर करते हैं वो अपस्ट्रीम पोर्शन है। कहाँ तक? इस लेवल तक। ये पूरा लेवल हमारा अपस्ट्रीम लेवल है, यहां पर वाटर को स्टोर किया जाता है। जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, इनको बोला जाता है स्पिलवे। इनको सेफ्टी गेट्स भी बोलते हैं। यहां से वाटर क्या होता है, इजी तरीके से, सेफ्टी तरीके से हमारे पास क्या होता है, डाउनस्ट्रीम पोर्शन में जाता है। ओके, यहां पर हमारे पास हो गया। हमारे पास एक बात याद रखिए कि हम जब भी डैम्स का एनालिसिस करते हैं इस पूरे चैप्टर में, जब भी हम डैम्स के जो रिगार्डिंग उसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो वहाँ पर जो डैम्स की कैलकुलेशन की जाती है वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन यूनिट लेंथ अज्यूम करके की जाती है। ओके, यहाँ पर जो लेंथ है डैम की, कौन सी लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ है, जो बोर्ड के इनसाइड डायरेक्शन में जो लेंथ है वो पूरी की पूरी लेंथ यूनिट लेंथ अज्यूम करके की जाती है। मतलब ये जो हमारे पास है, लेंथ ऑफ द डैम इक्वल टू 1 मीटर। ओके, पूरी जितनी भी हमारी लेंथ है वो 1 मीटर के लिए हम इसको डिजाइन किए जाते हैं, जितनी भी हमारे पे कैलकुलेशन है। ये हमारी उसकी विड्थ हो गई, ये हमारे पास ये हमारी इसकी बॉटम विड्थ, जनरली बी से शो करते हैं। ये हमारी टॉप विड्थ अगर है तो स्मॉल बी से शो कर दीजिए। सिंपली वाटर लेवल कितने हेड तक अवेलेबल है यहाँ पर, ये हमारे एच हो गया, ये हमारे स्पिलवे गेट्स होते हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा कभी कभी जो वाटर एकदम से छोड़ा जाता है, जब हमारे पास अपस्ट्रीम लेवल पे, अगर अपस्ट्रीम पॉइंट पर अगर हमारे पास वाटर लेवल के राइज हो चुका है, कैपेसिटी से उसके ऊपर से जा चुका है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, वाटर लेवल को डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में क्या गेट खोल दिए जाते हैं। नंबर ऑफ गेट्स होते हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि इतने गेट खोल दिए गए डैम्स के, इतना पानी क्या छोड़ा गया, इतने क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर गेट्स लगे होते हैं। तो ये हमारे पास डैम का एक रफ स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर है। याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लेंथ ऑफ द डैम होती है वो यूनिट लेंथ अज्यूम करते हैं, नो मैटर जो हमारे पास टोटल क्वालिटी, जो टोटल हमारे पास कैलकुलेशन आर डन बाय अज्यूमिंग द यूनिट लेंथ ऑफ द डैम। ओके, पूरे होल चैप्टर में। तो चलिए, हमारे पास ये सिंपल एक डैम का स्ट्रक्चर था, ये हमारे पास ये था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारे पास है वो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड साइट। हमने हमें बात कर लिया था कि विच टाइप ऑफ डैम, जो कौन कौन से फैक्टर्स, जो विच टाइप, जो हमारे पास फैक्टर्स कितने हैं जो हमारे पास गवर्न करते हैं किसको, सिलेक्शन ऑफ डैम को, कि किस टाइप का हमें डैम सिलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है साइट का सिलेक्शन, कि किस तरीके से साइट का सिलेक्शन करना चाहिए।
रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अब साइट सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, साइट सिलेक्शन कौन कौन सी किस तरीके से हमारे पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही हो गया कि हमारे पास जो फाउंडेशन है, सूटेबल फाउंडेशन ऑन दिस या डैम्स पे साइट पे अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर लिखना चाहे सूटेबल फाउंडेशन एट द डैम साइट should be available। okay, ये हमारे पास हो गए। easily तरीके से हमारे पास लेबर है and materials की availability होनी चाहिए। materials and labor should be easily available। should be easily available। कि ऐसा नहीं है कि हम क्या है हमारे पास लेबर और हम मेटेरियल्स ढूंढने के लिए कहीं और जा रहे हैं, कहीं हमारे पास क्या है किसी और एरिया में हम क्या कर रहे हैं लेबर्स और इसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, ताकि इससे क्या होगा हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है ये हमारे पास, इस वजह से। तो यहाँ पर वहाँ पर ईजिली क्या होना चाहिए, लेबर अवेलेबल हो जाने चाहिए। अब देखिए मोस्टली जो रिवर डैम साइड्स होती है, डैम्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं अक्रॉस द पेरिनियल रिवर, ताकि इस रिवर के अक्रॉस पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर का मतलब हमने बताया था कि रिवर्स के थ्रू आउट द ईयर उनमें फ्लो बना रहता है। अदरवाइज अगर किसी हमने ऐसी इंटरमीडिएट रिवर्स या किसी अलग जो रिवर्स होती है जो ओनली मानसून सीजन्स में क्या होती है फ्लो करती है, अगर उनके अक्रॉस डैम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर दिया तो हमारी जो फुलफिल जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होगी, जो हमारे एम्स है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा जो डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो पेरिनियल रिवर्स के अक्रॉस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ओके, ये हमारे पास सिंपली हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इसको लिखना चाहें लिख दीजिए, द रिवर शुड बी पेरिनियल इन नेचर। ओके, हमारे पास जो डैम वो रिवर है वो पेरिनियल नेचर में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर हमारे जो इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए जो डैम डिज़ाइन किया जाता है कि हमारी जो लेंथ ऑफ डैम है वो शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल एज, कि हमारी जो लेंथ ऑफ डैम है हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी स्मॉल लेंथ होनी चाहिए, जितना हम स्मॉल कर सकते हैं उतना स्मॉल। ये क्या है इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है, ताकि क्या कॉस्ट इंक्रीज ना हो। जो अगर लेंथ डैम की इंक्रीज हो गई तो हमारी कॉस्ट भी क्या होती है उसी टर्म्स में क्या होती है इंक्रीज़ होती जाती है। तो मोस्टली जो डैम्स के लिए जो सिलेक्शन साइट की जाते हैं मोस्टली वैली साइट्स, जो हमारे पास वैली साइट्स कहते हैं इनको, एक वैली साइट्स का मतलब है, वैली साइट्स क्या होती है, जो नैरोअर साइज होती है इस कॉल्ड वैली साइज। यहाँ पर हमारे पास ये जो साइज है ये वैली साइज नहीं है, जहाँ पे विड्थ ज़्यादा हो, जहाँ पे विड्थ कम होती है डेप्थ ज़्यादा होती है। इसका फर्क हमारे पास एडवांटेज क्या है कि विड्थ कम हो गई तो लेंथ ऑफ हमारे पास क्या हो गई कम हो जाएगी, डैम्स की जो लेंथ है हमारे पास क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यही हमारी लेंथ हो जाएगी यहाँ पे इसके अक्रॉस जब हम क्या कंस्ट्रक्ट कर देंगे सिंपली। और अगर हमारे पास जो हमारे पास हाइट भी अगर डेप्थ भी ज़्यादा है तो हमारे पास मोर वाटर वी कैन स्टोर। तो ये हमारे पास इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, वैली जो हमारे पास जो वैली जो हमारे पास वैली जो हमारे स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास वैली साइट होती है वैली साइट्स होती है उनका उनका क्या उनको प्रीफर किया जाता है डैम सेलेक्शंस के लिए, डैम्स के लिए साइट के लिए। तो ये भी एक हमारे पास एक साइट्स का एक कह सकते हो। चलिए
डैम लेंथ शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल। मोस्टली वैली साइज, वैली साइट्स प्रिफरेबल। मोस्टली वैली साइड्स है उनको प्रेफर किया जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास फैक्टर्स है वो हमारे पास एक, ये हमारे पास साइड्स को सिलेक्शन के लिए फैक्टर्स है वो हमारे पास ही हो गए। ठीक है, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर, वो आप स्टडी कर सकते हैं बुक्स में वगैरह में से। तो मोस्टली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो हमने यहाँ पर स्टडी किए। इफ यू रियली लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।